गाजियाबाद में पिटबुल कुत्ते के हमले का एक और मामला सामने आया। इस बार इस खूंखार कुत्ते ने एक 11 साल की लड़की पर हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह लहूलुहान हो गई। बच्ची अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए सोसाइटी के कैंपस में गई हुई थी, तभी वहाँ बाहर घूम रहे पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के दोनों पैरों में कई जगह काटा। हालांकि गनीमत रही कि वहाँ मौजूद गार्ड ने किसी तरह लड़की को बचा लिया। बताया गया कि पिटबुल के मालिक ने उसे खुला छोड़ रखा था, जिसकी वजह से उसने हमला किया। आरोप है कि इससे पहले भी इसी सोसाइटी में पिटबुल कई लोगों को निशाना बना चुका है। और ये डॉग पिटबुल पहले भी 3-4 लोगों पर अटैक कर दिया है इसने, और ये लोग छुपा रहे हैं। पिटबुल के हमले का ये मामला इंद्रपुरम के रामप्रस्था ग्रीन की सीबीटेक सोसाइटी का है, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब पिटबुल का आतंक देखने को मिला हो। इससे पहले लखनऊ में एक पिटबुल ने 82 साल की बुजुर्ग महिला को नोच नोच कर मार दिया था। इसी साल देश के अलग अलग हिस्सों से पिटबुल के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं, और इसीलिए एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिटबुल कुत्तों की वजह से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान गई। पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। जिन लोगों पर कुत्तों का हमला होता है उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जिन पर पिटबुल ने हमला किया हो। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की जाती रही है कि इस नस्ल को लेकर वो बेहद सावधानी बरते। पिटबुल कुत्ता दो खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग और दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत होती है। इसलिए एक बार अगर जिद पर उतर आए तो इनका काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकते हैं। बिहार के बेगूसराय की तरह बेतिया में